नगर थाना क्षेत्र के मगधपुर स्थित पुरुषोत्तम मेडिकल में गुरुवार रात चोरी हो गई। शुक्रवार सुबह इस बात की जानकारी हुई, जिसके बाद नगर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बताया गया कि लगभग 70 से 80 हज़ार की संपत्ति चुरा ली गई है। इस बाबत पुरुषोत्तम मेडिकल के मालिक विनय पुरुषोत्तम ने बताया कि रात में दुकान बंद कर घर चले गए थे। उस वक्त सब कुछ ठीक ठाक था। जब सुबह दुकान खोलने आए तो शटर उठाने से ही माजरा समझ में आ गया। दुकान में सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। इधर गल्ले का लॉक भी टूटा हुआ था और पैसे गायब थे। इन्होंने कहा कि जब इसकी पड़ताल की तो देखा कि एग्जॉस्ट फैन टूटा हुआ था। अनुमान लगाया गया कि चोर इसी रास्ते से दुकान के अंदर आया था। बताया गया कि गल्ले में 40 हज़ार रुपये नकद किसी को देने के लिए रखा हुआ था। वहीं 20 हज़ार सेल के पैसे भी थे। इसके अलावा धातु की मूर्ति, चांदी का सिक्का वगैरह सामान चोरी हुआ है। फिलहाल नगर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। क्या नाम से दुकान है, क्या हुआ? विनय पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम मेडिकल दुकान का नाम है। मैं रात में 10 बजे दुकान बंद करके गया तो सब कुछ ठीक ठाक था। सुबह जब आया मैं तो दुकान का गल्ला उल्ला सब जितना था सब छिटा हुआ था, और गल्ला से मेरे सामने गल्ला से 3,000 रुपये और पीछे के गल्ला से, पीछे चैम्बर में गल्ला जो था वहाँ से 40,000 रुपया मैंने पेमेंट महाजन को पेमेंट देने के लिए ला कर रखे हुए थे, उसको सब निकाल करके ले गया। और इसको मेरे दुकान में घुसने के लिए मेरे दुकान के ऊपर में जो फैन लगा था उसी से तोड़ करके चोर घुसा है रात में। मैंने थाना को भी खबर किया है, वो भी आ करके इंक्वायरी करके चले गए, देख लिए, आश्वासन दिया उन्होंने, ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा। किसी पे शक है आपको? नहीं, किसी पे शक नहीं है।